नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ पुरातन काल से ही कई तरह की प्रथाओं को मानने वाले लोग रहते आए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के एक अनोखे गांव की। जी हाँ, ये अनोखा गांव बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में स्थित है, जहाँ पर एक बेहद दिलचस्प और अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो शायद ही देश के किसी कोने में अपनाई जाती हो। और ये परंपरा है कि गांव के जितने भी लोग हैं वो साल में एक दिन ऐसा आता है जब अपने घर को छोड़कर जंगल चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं और एक दिन के लिए वो वापस घर नहीं आते। यहाँ तक कि घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते। और दिलचस्प बात तो यह है कि उस गाँव में आज तक एक भी चोरी नहीं हुई है। दरअसल आज भी अपने देश में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, इसी तरह बिहार में भी कई प्रथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जिनका आज भी लोग पूरी शिद्दत के साथ पालन करते हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा के एक गाँव में एक ऐसी ही प्रथा का पालन किया जाता है। इस गाँव के लोग प्रत्येक साल के बैसाख के नवमी के दिन 12 घंटों के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। ग्रामीण इस अवधि में जंगलों में निवास करने चले जाते हैं। इस विचित्र मान्यता का पालन आज भी किया जा रहा है। पहले आप गांव वालों से खुद सुनिए इस प्रथा के बारे में, वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं कि इस गांव में कब से ये प्रथा चली आ रही है और वो इसे किस तरीके से निभाते हैं। मैंने पुजारी से कि हम तोहरे गांव में जाए दोस्त बनी गांव में जाए तो जेके पाए वो के मार एक बढ़िया बाजे सवेरे अपन घर दुआर छोड़ दिया जा हमारे गोद में आ जाए बजा साँझ ले एकदम निश्चिंत रही साँझ के बाद से जे बजे तक कहूँ दिक्कत ना ओकरे बाद से हाँ अब वो है परंपरा ही चलिया होता हर बैसाख के नवमी के दिन लोग क्या करेला पूरे गांव जाकर के जा जो जकरा पूजा जो चढ़ावे बतन चढ़ावे ला गोल लागे ला दिन भर रहेला साँझ में यही जा खाला पीला ले सब कुछ यही जा आ माल चौवा सब चल जी यही जा चले सब चल मुर्गा मुर्गी जो भी बातन सब यही जा चलाई आ जब दिन डूबे लागे तो सब कोई अपने अपने स्थान क्या नाम आज खास करके नौरंगिया गांव में या थरुहत का एक गांव है। इस गांव का बहुत पुराना परंपरा है। आज बैसाख के नवमी को घर छोड़ करके एक रोज के लिए भोर में लोग जंगल में चले आते हैं और दिन भर जंगल में रहते हैं। शाम में फिर जा करके पूजा पाठ करने के बाद तब जा करके अपने घर में प्रवेश करते हैं। यही परंपरा है। इसका कुछ पुराना कुछ कहानी है जिसके चलते ये लोग प्रत्येक साल आज के दिन घर से अलग हो जाते हैं। क्या मतलब क्या इसके पीछे की कहानी बताइए? पीछे की कहानी है कि बहुत पहले इस गांव में बहुत ज़्यादा आग लगता था। उसमें कोई यहाँ के साधु थे, नाम तो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन एक साधु थे वहीं इस चीज़ को बताया कि एक दिन कम से कम साल में एक दिन घर छोड़ करके आप लोग बाहर रहिए, हम पूरे गाँव को बचा लेंगे। उसमें एक बार एक घटना भी हुआ था कि जब घर छोड़ करके ये लोग भजनी कुटी में चले आए थे तो एक चोर उस गांव में घुस गया और ज्यों ही सामान चुरा करके लगा निकलने तब तक वह अंधा हो गया। अच्छा, तो आज के दिन लोग घर में ताला भी नहीं लगाते? ना, आज के दिन ताला भी नहीं लगाते। जानकी माता के जन्मदिन है, राम जानकी सीता माता के जन्मदिन के शुभ अवसर को नवरंगिया के ग्रामवासी हमने के उनका जन्मदिन मनाए भजन कुटी। आज के दिन रोग वालों ने क्या करे नहीं जा आज के दिन रोग वालों ने क्या करे नहीं जा आज शक्ति आज के दिन है रोग वालों ने क्या करे नहीं जा मंदिर में आके मंदिर में आके हमने के जन्मदिन मनाओगे सीता माता जी के। जी, सुबह से शाम ले जा रहे नहीं जा। राम जी के आज शक्ति जगदम्मा उनके अर्धांगनी किया जानकी माता जी के जी। जन्मदिन मनाओगे तो खाना पीना सब यही जा होला यही जग खाना पीना होला पूजा पाठ सब होला माई जी के स्थान में उपरहंस बाबा की गदी है बहुत इस बाटे
किशोरी सिंह के परिवार में से भाई उनके। तो आपने ग्रामीणों की बात सुनी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों सभी ग्रामीण 12 घंटों के लिए गांव को छोड़कर जंगल में रहने चले जाते हैं, इसके पीछे की क्या मान्यता है। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बघा स्थित नौरंगिया गांव के लोग एक दिन के लिए पूरा गांव खाली कर देते हैं। बैसाख की नवमी तिथि को लोग ऐसा करते हुए 12 घंटे के लिए गांव के बाहर जंगल में चले जाते हैं। वर्षों से ऐसी मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से देवी के प्रकोप से निजात मिलती है। थारू बाहुल्य इस गांव के लोगों में आज भी अनोखी प्रथा जीवंत है। इसके चलते नवमी के दिन लोग अपने साथ साथ मवेशियों को भी पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। और अब तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, विजुअल्स हमारे पास है कि किस तरीके से गांव के लोग जब जंगल की ओर अपना रुख करते हैं 12 घंटे के लिए, तो वो वहां जाकर किस तरीके से रहते हैं, खाना पीना पकाया जाता है, क्या कुछ होता है जब सारे ग्रामीण एक साथ जंगल की ओर जाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से लोग बेहद खुशी से इस परंपरा को निभाते हैं। इस प्रथा का चलन पिछले कई सालों से होता आया है और गांव में ही जो जंगल है वहां पर लोगों के द्वारा तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लोग वहां पर रहते हैं। और आपको बताएं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तरफ की जंगल में लोग चले जाते हैं। बताया जाता है कि इस गांव पर काफ़ी बीमारियां का जो है वो प्रकोप था, काफ़ी बीमार होते थे यहां के लोग। आए दिन उस गांव में आग लग जाती थी और इन्हीं सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए गांव में ये प्रथा शुरू हुई। एक संत के द्वारा गांव वालों को ये उपाय बताया गया और अब सारे गांव वाले बेहद खुश होकर जंगल की ओर साल में एक बार रुख करते हैं, वो भी 12 घंटों के लिए। साथ ही साथ अपने साथ मवेशियों को भी ले जाते हैं। हालांकि गांव के एक भी घर में ताला नहीं लगता और ना ही उस गांव में आज तक चोरी हुई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।